अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रईस अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उर्दू अदब। आज UPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, उसके डी सीरीज़ की आंसर की आपके सामने। आपके पास जो भी सीरीज़ हो ABC, आप उसमें सवाल के हिसाब से अपने जवाब को मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 31। ज़मींदार किसकी इदारत में निकलता था? सही जवाब है ऑप्शन डी, जफर अली खां। सवाल नंबर 32। लिखकर जमीन पर नाम हमारा मिटा दिया, उनका तो खेल खाक में हमको मिला दिया, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तजाद। सवाल नंबर 33। इनमें से किसने गालिब के उर्दू खुदूत को मरतब किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, खलीक अंजुम। सवाल नंबर 34। मतन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुसन्निफ़ के असल अल्फाज, किताब की असल इबारत। सवाल नंबर 35। इनमें कौन सी किताब रशीद हसन खां की मुरत्तब करदा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दीवाने फाइज। सवाल नंबर 36। तहकीक में किसने कतियत के साथ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, काजी अब्दुल वदूद। सवाल नंबर 37। रशीद हसन खां का मजमून गैर मोतबर हवाले किस किताब में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अदबी तहकीक के मसाइल। सवाल नंबर 38। नए नए मजमून तलाश करने का शौक जब नशे की सूरत इख्तियार कर जाए तो इसे ख्याल बंदी कहते हैं, ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खुर्शीदुल इस्लाम। सवाल नंबर 39। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली से है? सही जवाब ऑप्शन सी, काफूर। सवाल नंबर 40। शिबली की किस किताब में महाकाश से बहस की गई? सही जवाब ऑप्शन डी, शेरुल अजम। सवाल नंबर 41। गुब्बारे खातिर को मुकदमा व हवाशी के साथ किसने मुरत्तब किया? सही जवाब ऑप्शन बी, मालिक राम। सवाल नंबर 42। इनमें कौन सी राय कलीमुद्दीन अहमद की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गज़ल एक नीम वैशी सिंफे सुखन है। सवाल नंबर 43। तस्किरा मखज़न निकात किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब ऑप्शन डी, कायम चांदपुरी। सवाल नंबर 44। वो लफ्ज़ जो हवास में किसी एक या एक से ज़्यादा मुतवज्जा और मुतहरिक करें, इसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैकर। सवाल नंबर 45। हमारे कसाइद की हालत तो ना गुफ्ता बे है, अलबत्ता हमारे शोरा ने मर्सिया में एक ख़ास किस्म की नुमाया तरक्की जाहिर की है, ये किसका कॉल है? तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 46। दरियाए लताफत के उर्दू मुतरजम कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए, ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी। सवाल नंबर 47। किताब उर्दू का इब्तदाई ज़बाना के खालिक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शमशुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 48। गालिब ने गदर की रुदात बयान की है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दस्तंबो, यह गालिबन मिसप्रिंटिंग है। सवाल नंबर 49। सरकारी दफातीन में फारसी की जगह उर्दू को सरकारी ज़बान कब बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1835 ईस्वी। सवाल नंबर 50। आतिश पर खलीलुर रहमान आज़मी का मकाला किस द्वार किस में शाया हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निगार। सवाल नंबर 51। पहली बार वली किस सन में दिल्ली आए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1700 ईस्वी। सवाल नंबर 52। जिस गज़ल में रदीफ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाते हों, इस गज़ल को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गैर मुरद्दिफ गज़ल। सवाल नंबर 53। यहूदी की लड़की किसका लिखा हुआ ड्रामा है? सही जवाब ऑप्शन बी, आगा हश्र काश्मीरी। सवाल नंबर 54। इनमें से किस शायर ने शायरी में लिसानी सतह पर इस्तेहलात कहीं और शायरी के मयार कायम किए? सही जवाब ऑप्शन सी, नासिक। सवाल नंबर 55। दीदनी है शगुफ्तगी दिल की क्या इमारत? ऑप्शन डी, सही जवाब गमोने ढाई है। सवाल नंबर 56। सफ शिगन बटेर का वाक्या किस मुसन्निफ ने बयान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रतननाथ सरशार। सवाल नंबर 57। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है? सही जवाब ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 58। शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तखय्युल, ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिबली नौमानी। सवाल नंबर 59। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कब जारी किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी। सवाल नंबर 60। उर्दू कवायद किसकी तसनीफ है? सही जवाब ऑप्शन डी, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 61। मिसरे के लफ्जी मानी क्या होते हैं?
सही जवाब है ऑप्शन सी, खिवाड़ का एक पट। सवाल नंबर 62, दर्ज जेल शोरा के सही जमाने तरतीब क्या होगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर, उसके बाद मुसफ़ी, फिर गालिब और फिर फिराक। सवाल नंबर 53, आयाते वजदानी किसकी गज़लों का मजमुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यगाना। सवाल नंबर 64, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का बाबा आदम किसे कहा है? सही जवाब ऑप्शन सी, वली। सवाल नंबर 65, शराब शौक सी सरशार है हम, कभी बेखुद कभी होशियार हैं हम, ये मतलब किस सिंफ शायरी से मुतालिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गज़ल। सवाल नंबर 66, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनविया किसकी तसनीफ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 67, शमशीर शेर हक हूँ मैं ए शाम की सिया, इस मिसरे का ताल्लुक मर्सी के किस अंसुर तरकीबी से है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रजज। सवाल नंबर 68, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन बी, जौक। सवाल नंबर 69, दहर जुज जलवाए यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न न होता खुद भी खुद में, ये शेर किस कसीदे किसके कसीदे से माखूज है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गालिब। सवाल नंबर 70, तनासुब लफ्सी को मेराज कमाल तक किसने पहुँचाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित दयाशंकर नसीम। इसमें आप बताइए कमेंट करके, ये मीर हसन की तरफ भी इशारा है। सवाल नंबर 71, खतूनिया किस नाविल का किरदार है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फायर एरिया। सवाल नंबर 72, नाविल किस जबान का लफ्ज़ है? सही जवाब ऑप्शन ए, इतालवी। सवाल नंबर 73, उठ गया बहमन ओ देखा चमनिस्तान से अमल, इस मिसरे में बहमन ओ दी से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दो महीनों के नाम। सवाल नंबर 74, करूँ पहले तौहीद यजदा रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल रकम, ये गलत हो गया। तो उर्दू की किस मसनवी की इब्तदा इस शेर से होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहरुल बयान। सवाल नंबर 75, जबान दहली व पीरा मुंश उर्दू का असल मुंबा और सरचश्मा है, ये किसका कौल है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खां। सवाल नंबर 76, कसीदा से कौन सी सिंफ निकली है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गज़ल। सवाल नंबर 77, इनमें कौन सा नावल शऊर कीरो तकनीक में लिखा गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन की एक रात। सवाल नंबर 78, बागो बहार का पहला दरवेश कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यमन। सवाल नंबर 79, इकबाल की किस नज़्म में बैक वक्त उनके इश्क मर्द मोमिन फ़न और वक्त के तसव्वुरात का अहाता किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मस्जिद कुर्तबा। सवाल नंबर 80, इनमें बच्चों का शायर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस्माइल मेरठी। सवाल नंबर 81, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसकी राय है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 82, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। सवाल नंबर 83, कुतुब मुश्तरी में कुतुब का इंतसाब किस बादशाह के लिए है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 84, मसनवी कदम राव का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निज़ाम बेदरी। सवाल नंबर 85, शुमाली हिंदुस्तान का पहला 12 मासा किसने तहरीर किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद अफजल। सवाल नंबर 86, उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल के मुरतब कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 87, उर्दू में लसानियाती तहकीक का मरतब कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल सत्तार उदौलवी। सवाल नंबर 88, कदीम उर्दू की तश्कील बरहाय रास हरियाणा के ज़ेर असर हुई, इसका उर्दू की इब्तदा के मुतालिक ये नज़रिया किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मसूद हुसैन खां। सवाल नंबर 89, मौलाना आज़ाद ने गुबार खातिर में शामिल खतूत कहाँ लिखे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किला अहमद नगर। सवाल नंबर 90, उर्दू की किस नसरी तसनीफ में पद्मनी और अमीर ख्याल तमसीलों और अलामतों के ज़रिए पेश किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सबरस। सवाल नंबर 91, दरियाए ज़िंदगी में खुशनुमा जजीरा नज़र आया, इसके किनारे पर दरिया से लगा हुआ एक बुलंद मीनारा था, इस पर सोने के हरूफ पे से लिखा हुआ था बद एतदालियों का गुलजार, ये चंद सतरे किस मजमून से माखूज हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैर ज़िंदगी।
सवाल नंबर 92, सर सैयद की मुखालफत में मौलवी महरम अली चिश्ती ने किस अखबार को जारी किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रफीक हिंद। सवाल नंबर 93, मकतूबाती अदब के मारूफ ख्याल से कतः नज़र गुब्बारे खातिर की सिनफी हैसियत क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंशाइया। सवाल नंबर 94, साहिल और समंदर के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 95, अंग्रेज़ी मजमून अ गार्डन ऑफ होप का उर्दू में तर्जुमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस नाम से किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलशन उम्मीद की बहार। सवाल नंबर 96, दर्जे ज़ेल किताबों में किसका उसलूब तमसीली है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नारंग ख्याल। सवाल नंबर 97, एहाम गोई तर्क करने की तरगीब किसने दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मज़ार जाने जाना। सवाल नंबर 98, दकन के किस शायर ने कसरत से 18 मरतबा अपना तखल्लुस तब्दील किया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 99, मुल्ला वजी किसका साले वफात क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1659 ईस्वी। सवाल नंबर 100, कंप्यूटर में इत्तला को दाखिल करने वाला जुज़ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कलीदी तख्ता यानी कि कीबोर्ड। तो साथियों, उम्मीद है ये सवालात आपके सामने जो पेश किए गए हैं इनमें से आपके सवाल बहुत सही होंगे। आपके किसके कितने सवाल सही हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़।